तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1.3, जिसके अंदर जो डाटा हमें गिवन है, एक्चुअली पहले मैं प्रॉब्लम को रीड कर लेता हूँ, उसके बाद इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम जो है उसकी स्टेटमेंट है, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर इज 15.3 एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। अब कंसीडर करते हैं, लेट वो जो रेक्टेंगुलर एक प्लेट है जिसका जिक्र किया है उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर, वो है सपोज लेंथ है, जो रेक्टेंगुलर एक प्लेट है उसकी जो लेंथ है वो है 15.3 सेंटीमीटर और जो उसकी विड्थ है वो है 12.80 सेंटीमीटर। तो हमने एक्चुअली इसकी लेंथ और विड्थ अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो एरिया आता है। तो हमारे पास जो फार्मूला है जो हमने फाइंड आउट करना है वो है एरिया। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये एरिया का फार्मूला है। अच्छा, अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा। हमने ख्याल किस चीज का रखना है, हमने एक्चुअली प्रिसिशन का ख्याल रखना है, राउंड ऑफ करने का ख्याल रखना है कि जो फाइनल आंसर है क्या वो जो अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ रूल्स हैं उनके मुताबिक है या नहीं। अब हम अगर वैल्यूज पुट करें इसके अंदर एरिया के फॉर्मूला के अंदर, लेंथ की वैल्यू है 15.3 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ विड्थ इज 12.80 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली ये तो हमारे पास एक आंसर आ गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि जो गिवन डाटा है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उसके अंदर सबसे कम डिजिट वाली कौन सी वैल्यू है, यानी पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट, जैसे कि यहां पॉइंट के बाद 2 है और यहां पर 1। तो हमारे पास इधर भी टोटल डिजिट्स देखने 1, 2, 3, इधर कितने 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 3 डिजिट्स के अंदर आना चाहिए। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये 5 डिजिट्स के अंदर है। तो हम इसको फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये है 195.84 और साथ है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर लिखें इसको राउंड ऑफ करें, ठीक है, 4 जो है 4 5 से लेसर है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर 4 के बजाय यहां 6 होता तो हम 6 को नेग्लेक्ट करने के लिए 8 को 9 कर देते, एक ऐड कर देते इसके अंदर, आगे वाला जो होता है जाके जो रूल है उनको फॉलो किया, उनको फॉलो करते हुए इसको आगे बढ़ा देते। तो लिहाजा इसको हम लेसर की वजह से वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे, वो हो जाएगा 195.8 और यहां साथ इसका एरिया का यूनिट आएगा। अब हमारे पास अभी भी 4 डिजिट्स में आंसर है, इसको हमने लेके जाना है 3 डिजिट्स तक। 8 जो है इसको अब हमने राउंड ऑफ करना है, तो 8 तो 5 से ग्रेटर है, तो अब हम क्या करेंगे इसको नेग्लेक्ट करने के लिए 1 आगे बढ़ा देंगे, इस 5 को क्या कर देंगे इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 196 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर।